आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बिहू क्या बिहेवियर है, किसी का ऐसा करने को? इशिता ने मिस्टर भल्ला एक बात कान को भी सुन लो, तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू कांट बिहेव लाइक दिस। और मीका तुम्हारी मम्मी बनने वाली है, समझी तुम? पापा आपको जो बोलना है बोलो, पर मीका आंटी मेरी मम्मा नहीं बनेंगी, मुझे वो नहीं चाहिए। पीहू यू इधर बैठी, मैं पानी जल्दी पानी लाओ, थोड़ा सा पानी पानी पीजिए। बस 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 सोएंगे, हमको इधर से चलना चाहिए, मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा है। चलो इधर से चलो, इधर सब गंदे लोग। कहाँ जा रही हैं आप? क्या बातें सुना रही थी आप मुझे? हाँ मैं आपकी सखी बेटी नहीं हूँ, ये सुना रही थी मुझे। बहुत प्यार है ना आपको अपनी सगी बेटी से। मुझे सुनाया आपने कि मुझे आपने पाला है, मेरा ख्याल रखा है, मुझ पे ध्यान दिया है, वरना मेरा और कोई नहीं होता, मैं तो अनाथ होती। मैं और नहीं सहन कर सकती, मुझे पीयू के लिए सच में बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मैं जा रही हूँ देखने के लिए वो कैसी है। भाभी आप जल्दी चलिए, वो गार्डन में देखिए ना मीका भाभी क्या कर रही है। क्या कर रही है वो? मेरी असली माँ होती ना तो मुझे इतनी बातें नहीं सुनाती अब। ओके, बताइए ये जो इतने साल आपने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं ना माँ के, कितने पैसे लेंगी? पूछो उनसे ये कितने पैसे लेंगी? बोल रहे हो आप चिट्टी? जितने पैसे चाहिए ना आपको उसके डबल पैसे दूंगी मैं। आपकी वो बेटी इशिता गोल्ड डिगर है, वो गोल्ड डिगर। उसने रमन से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि रमन एक अमीर बिजनेसमैन था। That's it. Oh, अब समझ में आया कि आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि अब मैं मिसेज रमन भल्ला बने जा रही हूँ ना? सारी फसाद तो इस बात की है। आपको टेंशन हो रही है ना कि अब आपकी बेटी का क्या होगा? उस बेचारी को कौन सा अमीर लड़का मिलेगा? आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, बहुत अमीर लड़के मिल जाएंगे उसे। कोई नहीं मिला ना तो अशोक है, अशोक के साथ जाकर रह लेगी ना वो। डोंट वरी, अशोक के पास भी बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर है वो। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जाके बोल देना अपनी बेटी से अब वो मेरे और रमन के बीच में बिल्कुल ना आए। और आप बस अगर मेरी ईशु के अगेंस्ट एक भी शब्द बोला ना तो क्या करेंगे आप? इसको मैं छोड़ दे। अभी मजा ले, जल्दबाजी मत कर, थोड़ा सा रुको। ये खोखली धमकियां है ना कहीं और जाकर देना, पूरा परिवार सिर्फ धमकियां देता है। अरे यार कभी कुछ करके भी दिखाया करो आप लोग। चुप। अगर तुमने मेरी ईशु के अगेंस्ट एक एक भी शब्द निकाला ना तो मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था मीका। अम्मा, अम्मा, आप ठीक हो अम्मा? I'm so sorry.
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चुप कर। Stop it! Stop it! What are you doing? छोड़ो मुझे! I said to stop it. What are you doing? छोड़ो! ही डिजर्व करती हो। शराब फेंकी और उसको आग लगाने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अम्मा की इंसल्ट कर रही थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने शराब डाली पर वो क्योंकि मुझे गुस्सा आया था इससे। हाँ, और आग अपने आप लग गई ना, जादू से लग गई आग। मैंने आग नहीं लगाई मीका, तुम बताओ क्या मैंने आग लगाई? क्या तुमने देखा कि मैंने माचिस जलाई? उसने अम्मा पे शराब डाली, मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पे डाल दिया, मैंने कंट्रोल खो दिया, लेकिन मैंने आग नहीं लगाई। मीका, तू सच क्यों नहीं बोलती है? तू सच बोलना, तू ये शादी होने नहीं देना चाहती। भाई, इसने शुरू से नाटक किया, इसने मेहंदी खराब की, संगीत खराब किया और हमारे घर के सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया अपने नाटक में। आपको पता है इसने पीहू को अपने नाटक में इन्वॉल्व किया है, हमारी घर की मासूम बच्ची को। पीहू ने मीका को गिराने की कोशिश की ताकि वो आपके साथ डांस नहीं कर सके। पीहू इतनी छोटी है, इसने उसको भी नहीं छोड़ा। अरे चुप करो यार, नहीं लगा ये इशू ने आग, हम सब लोग देख रहे थे वहां से, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आग अपने आप लग गई? मेरे घर वाले पागल है, शादी रोकना चाहते लोग। और तुम तो ये बोलोगे ही ना, क्योंकि तुम लोग तो सब एक साइड ही हो। हम जानते नहीं कि किस हद तक जा सकती है। अरे भाई, ये सब इन लोगों की प्लानिंग है। इन लोगों ने शराब फेंकी और फिर किसी को तैनात किया होगा वहाँ पे माचिस लगाकर चिंगारी लगाने के लिए। कुछ भी, मैं मीका के साथ ऐसा करूंगी? मैं उसको तकलीफ पहुंचा सकती हूँ क्या? मीका, तू एक बच्ची की जान ले सकती है, जब एक मासूम बच्ची को मारते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे तो मीका को मारना कौन सी बड़ी बात है? और तू जेल से बाहर आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे ऊपर लगे हुए सारे गुना मिट गए। अरे तू एक खूनी है, भूल मत। मैंने नहीं किया है कुछ। चाहो तो देख लो, कहीं पे सीसीटीवी फुटेज होगा, कुछ भी देखो, मैंने नहीं किया है, देख लो। इनफ। अब तक मैं चुप था क्योंकि तुम हमारी वैसा थी, लेकिन हर चीज की हद होती है, तुमने हद पार कर दी। मैंने नहीं किया। इनफ। सिमी, ये कह रही है इसे नहीं किया ना, बोला पुलिस को। रमन, अपने घर की शादी है, पुलिस आएगी तो हमारी ही बदनामी होगी। रमन पुत्र, परम सही कह रहा है, इस बात को यहीं खत्म करो। तो ठीक है, मेरी आखिरी वार्निंग है। तुम कहती तुम्हें मेरी बेटी से बहुत लगाव है, तो उसकी खातिर मेरी शादी में अपना चेहरा मत दिखाना मुझे।
अगर मेरी होने वाली बीवी के आसपास भी दिखी ना तो मुझे मजबूरन पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। एक मिनट भाई, इसने आपकी होने वाली बीवी को मारने की कोशिश की है और आप इसको ऐसे ही जाने दोगे? ये ऐसे नहीं जा सकती, इसको मिहिका से माफी मांगनी होगी। मिहिका, I'm sorry। ऐसे नहीं इशिता, हाथ जोड़कर माफी मांगो। सिमी प्लीज, प्लीज सिमी ठीक करे, जाने दो प्लीज। नो नो इनफ, इतनी बड़ी गलती कर सकते हो तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। हाथ जोड़ो, माफी मांगो। सॉरी। और आइंदा इसके आसपास दिखी ना, सो यू हैव टू बी सॉरी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। चलो क्या हुआ चैलेंज का? चैलेंज तो मैं जीत गई और तू हार गई। अब तो रमन भाई की शादी होके रहेगी, ना तू रोक सकती है ना तेरा ये परिवार। इशिता मान ले हार, कब तक अपनी बेइज्जती कराएगी? कब तक? कुछ नहीं हो सकता तेरा। चलो परम जी, मीका को कुछ हो जाता तो शांत भाई रेशो, आज अगर उसे कुछ हो जाता। आपने कुछ नहीं किया है हमें पता है। मैंने क्यों किया? बस कुछ नहीं किया ईशो। हम कैसे कर सकता है? वो आग किसने लगाई? सीमा एक्सीडेंटली हो गया होगा, वहां पे कोई फ्लेम वगैरह होगी, उससे लग गई होगी। अरे ऐसे कैसे? आदि दरअसल गलती मेरी है, मुझे मीका पे वो शराब नहीं गिरानी चाहिए थी, मुझे अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए था। इट वाज ऑल माय फॉल्ट। मेरे कारण मैं किसी की जिंदगी को इस तरह से दांव पर नहीं लगा सकती। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, बस सब खत्म है। अब मैं कोई कोशिश नहीं करूंगी, बहुत हुआ। अब जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा। नसीब की बात आप कर रहे हो? हाँ, अपने बच्चों को ना आपने बचपन से यही सिखाया है कि नसीब अपने हाथों से बनाया जाता है, तो नसीब की बात आप कर रहे हो? निशिमा आप ये लड़ाई आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते। बस निशिमा, भगवान उसी के साथ होता है जो सच्चा होता है, जो सही होता है, और हम सही हैं। हम ये शादी नहीं होने देंगे, बस आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। किसके लिए स्ट्रॉन्ग रहूं मैं? आप हार मान जाओगे इशिमा? आप अपने बच्चों के सामने ये एग्जांपल सेट कर रहे हो, एक छोटी सी भी हार हो तो लड़ाई छोड़ के भाग जाओ। इशिमा मुझे आप और पापा दोनों चाहिए। उनको याद नहीं पर आपको याद है ना, और आप ही तो कहते हो सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं है इश्मा, आपको लड़ना होगा। आपको ये शादी रोकनी होगी और हमारे पुराने पापा वापस लाने होंगे। आप लड़ोगे? You can do it, इश्मा। Stay strong, please, इश्मा।
हम सब है ना, प्लीज इसे गिव अप मत करो। तुम लोग ना सच में, मैं तुम लोगों के लिए लड़ूंगी। वेरी गुड, आई वोंट गिव अप। थैंक यू। मुर्गन प्लीज, मुझे किसी भी तरह से वो आदमी मिल जाए, तब मैं आलिया को बचा पाऊंगी और सिम्मी परम का पर्दाफाश कर पाऊंगी। टू एंजॉय मोर सच अमेजिंग वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।